मैंने तो बहुत सारी मैयतों को गुसल दिया है, कोई जली हुई, कटी हुई, एक्सीडेंट वाली, कोई ऐसी सड़ी हुई गली, गर्दन उड़ा देता है। एक आई थी ना, पूरी गर्दन कटी, गर्दन शोहर ने काटी। ये वाक्य किसी ने बताया नहीं, हमारे आदमी गए थे उनको निकाल के लिए आए थे। सबसे ज्यादा आपके तजुर्बे का ऐसा वाकया कौन सा है, कौन सी ऐसी मैयत है जिसको देखने के बाद आप खुद भी खौफ ज्यादा हो गई? वो जली हुई बिल्कुल ऐसी कोयला काली, ऐसे भी बताइए। आई है कि करके इनको जंगल में फेंका जाता है, मार के तो वो सड़ जाते हैं, जरासीम हो जाते हैं, नीलाई पूरे उसके जिस्म में जरासीम। दो बहनों की आई थी जंगल से, पुलिस वाले पर लेकर आए थे, मदरसे जा रही थी, इतनी होंगी। कौन सी मैयत ऐसी थी जो आप कभी भुला नहीं पाती? वो एक रात की दुल्हन आई थी। आपके पास तो लाशें आती हैं, क्या वाकई ऐसा है कि औरतों के साथ और बच्चियों के साथ ज्यादतियां बहुत होती हैं यहाँ? बहुत होती है, 10 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ। आप ये बोलते 3 दिन की बच्ची के साथ हुए, बस 3 दिन की बच्ची क्या होती है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महामजरा। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ एधी के मैयत गुसल खाने में, और आपने आज से पहले हमारे चैनल पे मर्दों की वीडियो से ज़रूर देखी है कि जहाँ पे जो मर्द हजरात हैं जो मर्दों के मैयतों को गुसल दे रहे होते हैं, उनको किस तरह से काम कर रहे होते हैं और कौन कौन से तजुर्बे उनके पास मौजूद हैं, किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हालात और वाकयात देखे। लेकिन आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मेरे साथ आप जो बुज़ुर्ग खातून देख रहे हैं, ये इस वक्त एधी की रज़ाकार हैं और यहाँ पे औरतों की मैयत को गुस्ल देने का काम अंजाम दे रही हैं, और इनकी उम्र जो है वो 70 साल है और पिछले 40 साल तकरीबन इनको हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए। और मैं समझती हूँ कि एक मर्द के मुकाबले में औरत के लिए ये काम 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह कराची के हालात हो गए हैं, यहाँ पर औरतों के भी हादसाती मैयतें आना एक आम सी बात हो गई है। तो ये बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि इन्होंने अपने तजुर्बे में क्या कुछ ऐसा देखा जो एक आम इंसान के लिए सिर्फ सुनना ही नागवार गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरीना है। और मुझे ये बताएं कि 40 साल एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा होता है, आपने समझ लें अपनी आधी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर जो है वो गुजार दी, कोई अंदाज़ा है कि आपने अब तक कितनी मैयतों को गुसल दिया होगा? मैंने तो बहुत सारी मैयतों को गुसल दिया है, कोई जली हुई, कटी हुई, एक्सीडेंट वाली, कोई ऐसी सड़ी हुई गली होती है, जरासीम वाली, सबको गुसल दिया है। अच्छा अम्मा जी, मर्दों में तो हादसाती मौत के वाकया जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, क्या औरतों में भी इतना ही ज़्यादा रेशो है? नहीं पूछ लो, नहीं कोई गोली वाली आती हैं, मियाँ ही मार देते, कोई जहर पी के आती है, कोई फांसी वाली आती है, हर किस्म की औरतें। सबसे ज़्यादा आपके तजुर्बे का ऐसा वाकया कौन सा है, कौन सी ऐसी मैयत है जिसको देखने के बाद आप खुद भी खौफ ज़्यादा हो गई? वो जली हुई बिल्कुल ऐसी कोयला काली, देखो ऐसे बिल्कुल कोयले नहीं होते इस तरह से, चूरा चूरा बिल्कुल। उसको भी हमने कपड़े में लपटा, प्लास्टिक में लपेट के उसको रखा है। इस तरह से आपने गुसल किया? और हादसा होता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, इनको भी नहीं लाया, सर फटा हो, क्योंकि गला पूरा कटा हो, क्योंकि हाथ नहीं है, किसके पाँव, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, कोच का हुआ था, सबको किया है मैंने, बहुत सारे हादसे ऐसे किए मैंने। जी, औरतों के साथ तो ज़्यादातर इस माशरे में ये भी देखने को मिलता है कि औरतें जो है वो ज़्यादातर ज्यादती का शिकार भी बहुत बनती हैं, तो इस तरह की भी आपके पास लाशें आई हैं? ये आई हैं, ऐसे भी आई हैं कि करके इनको जंगल में फेंका जाता है, मार के तो वो सड़ जाते हैं, जरासीम हो जाते हैं, नीलाई पूरे उसके जिस्म में जरासीम। एक आई थी जो देग में पकाई थी मियाँ ने, इसमें पतीले के अंदर, वो भी हमने की। उसको वो क्या वाकया था, किस तरह से हुआ? ये वाकया किसी ने बताया नहीं, हमारे आदमी गए थे उनको निकाल के ले आए थे, पतीले के अंदर यूं थी और बच्चे अंदर चीख रहे थे, कमरे में बंद थे, पूरी पक चुकी थी बॉडी, ऐसे ही बैठी हुई थी यूं हाथ पांव पर, अब निकल नहीं सक रही थी, क्या था कुछ समझ में नहीं आया था, पूरी पतीले में पकी हुई थी। किस तरह गुसल दिया उसको? निकाला था पतीले से निकाल के, फिर उसको गुसल दे के, फिर उसको कपड़ पिलाए, ऐसे ही हाथ पहुँची नहीं हो रहा था।
बहुत सी आती हैं कि खुद से जल जाती हैं या खुद कशियाँ करती हैं, कोई और जला देता है, बहुत सारी ऐसी आती हैं हमारे पास जवान जवान बच्चियों की। कभी कोई मासूम बच्ची की मैयत आई है जिसके साथ बहुत बुरा वाकया पेश आया हो? दो बहनें थी, दो बहनों की आई थी जंगल से, पुलिस वाले लेकर आए थे, मदरसे जा रही थी, इतनी होंगी, दोनों के साथ गलत काम किया हुआ था, फिर हम उसको सीवर लेके गए, सीवर वालों ने बोला कि इनके साथ बहुत बुरा काम हुआ है और बच्चियाँ दोनों का खत्म हुआ। मासूम बिल्कुल छोटी छोटी होंगी, एक 5 साल की होगी तो एक 6 साल की होगी, इतनी लगती नहीं, बस दो बहनें एक साथ एक ही घर की। मेरी ज्यादती के शिकार केसेस कितने आते हैं आपके पास? औरतों के साथ लोग गलत सलूक करके जो है वो उनको कहीं मार के फेंक देते हैं। औरतें लालच में चली जाती हैं, अगर किसी को मेकअप भी क्या होता है फुल और गंदा ही हरकत करती, फिर उसको मार के फेंक देते हैं, कोई उसी टाइम पकड़ी जाती है, कोई 8 दिन के बाद मिलती है, कोई 4 दिन के बाद मिलती है। इस तरह सर ऐसे भी औरतों के साथ जिंदा थी जिसकी इतनी उम्र होगी 3 साल की, उसके साथ जाती गिरी, उसको भी मैं जिन्ना अस्पताल लेके गई थी, जिन्ना अस्पताल वालों ने इसको चेक किया, फिर इसका छोटा सा ऑपरेशन किया, ये जगह पूरी इसकी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, फिर इसके माँ बाप को बुला के इसके हवाले किया, बच्ची अल्लाह ने बचा लिया था, लेकिन जिंदगी तो तबाह हो गई ना बच्चे की, ये जगह तो खत्म खराब हो गई। सर जो है वो औरतों के इस तरह के भी मामला देखने में आते हैं कि घर में शोहर और बीवी की नाचाकियों की वजह से कत्ल शोहर कर देता है, इस तरह का कुछ? खुद जहर पी लेती हैं, खुदकशी कर लेती हैं, ऐसा है वाकई बहुत सारे होते हैं, शोहर मार के भाग जाता है या गोली मार जाए कत्ल कर देता है, गर्दन उड़ा देता है, एक आई थी पूरी गर्दन कटी, गर्दन शोहर ने काटी, भाग गया गाँव भाग गया था जी। औरतें तो बड़ी कमजोर होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो डर नहीं लगा कभी ये सब काम करते हुए? अभी करना है तो फिर डरेंगे, कर रहे हैं हिम्मत करके, शुरू शुरू में मैं डरती थी, अब तो मैं करती हूं। जवानी से आप ये काम कर रही हैं, उस वक्त शुरू शुरू में क्या आपकी कंडीशन होती थी? मेरे हाथ पाँव कांपते थे, फिर मुझे बिल्की सैदी ने बोला हिम्मत करो, हिम्मत से काम करो, हिम्मत करोगी तो आगे बढ़ोगी, फिर मैं करती थी हिम्मत करके, अकेले नहीं जाती थी मैं, वो जो मेरे साथ कोई हो तो 2-3 औरतें हम जाते हैं। अच्छा अम्मा जी ये बताएं कि कभी जवान मैयतें आपके पास, जाहिर सी बातें खवातीन की काफ़ी सारी आती हैं, तो उनमें से कौन सी मैयत ऐसी थी जो आप कभी भुला नहीं पाती? वो एक रात की दुल्हन नहीं थी, जो इसका वलीमा था, मेहमान सब खा रहे थे पी रहे थे, इसको गर्मी लगी, बताएंगे एसी चालू करने गई, उधर करंट आ गया, उधर ही मर, फिर इसके घर वालों ने ससुराल वालों ने यहाँ लेकर आए दोबारा मेके में, मेके वाले यहाँ गुसल देने, वो जवान थी मेहंदी यहाँ तक लगी हुई है, पूरे दुल्हन बनी हुई पूरी पूरी, मतलब जो दुल्हन के लिबास में वो आपके पास वलीमा था ना, दुल्हन के लिबास में यहाँ ऐसे ही लेकर आ गए, उसको डॉक्टर ने बोला इसकी ख़त्म हो चुकी तो इनको यहाँ गुसल दिलाने, फिर वो गुसल दे के फिर कोयटा ले जाएंगे। एक रात की दुल्हन, अब बताओ कैसा इनके घर वालों के ऊपर गुजरी, खाली जवान खूबसूरत लड़की, खूबसूरत हजारे वाली थी, बहुत प्यारी सेहतमंद थी, और इसके अलावा दो बहनों का वाक्य है, जो किसी के बंगले में काम कर रहे थे, बंगले वाले गए हुए थे कहीं बाहर मुल्क, इनके बेटे थे घर में, इनमें बेटों ने जाती थी, दादी थी बुढ़िया ऊपर सो रहे थे, ये लड़कियाँ काम कर रही थी, लड़कों ने जाते कि लड़कियों ने अपने आप को करंट लगा लिया, खुद काट लिया, खुद करंट सूर्य में हाथ डाल करंट था, जवान लड़कियाँ थी, पुलिस वाले भी आए थे साथ लेके, लेकिन उन्होंने पता नहीं पैसे खिलाए पुलिस वाले के, बात को छुपा रहे थे, उनकी भी लाशें आपके पास आई थी, बाप रो रहा था कि मेरी जवान बेटी। कितना पहले का वाकया हो गई ये? होगा 2 साल हुए होंगे, जवान थी लड़कियाँ, काम कर रही थी सराय की कौम जी, कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो ज्यादती के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं, आपके पास तो लाशें आती हैं, क्या वाकई ऐसा है कि औरतों के साथ और बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ बहुत होती हैं? बहुत होती हैं, 10 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ, आप ये बोलते 3 दिन की बच्ची के साथ हुए, 3 दिन की बच्ची क्या होती है,
3 दिन की पैदा सी बच्ची थी, गंदा काम के आपके पास ही उसकी मैया आई। क्या वाकया था मुझे थोड़ा तफसील में बताइए। क्या कुछ नहीं था, माँ बोलते कि मैं तो अस्पताल में बच्ची पैदा हुई थी, पता नहीं किसने उठा के इसको साथ, और वो इंतकाल कर गई। इतने से बच्ची का क्या हुजूर होता है बताओ, 3 दिन का उसमें क्या जान होती है जो बच्ची बर्दाश्त करेगी, किसको बोले। मुझे इतने खतरनाक और इतने ज्यादा दिल खराश चीजें आपने अपने जिंदगी में देखी हैं। नहीं है, कभी कभी याद आ जाती है कि अल्लाह हमारी बच्चियां हैं, हमारी बच्चों की भी इज्जत रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। देखो हम कुछ उनको दिलासा दे सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते हैं कि भाई दिलासा रखो, अल्लाह जिसने किया उसको अल्लाह बदला देगा जरूर, इनकी भी औलादों में दिखाएगा इनको भी। आज 3 दिन की बच्ची की जान क्या होती है आप खुद सोचो, वो तो मासूम फूल था जन्नत का। मां क्या सोचती हैं, क्या दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है यहाँ? यही सब दुनिया का ऐसे गलत काम में उछा रही दुनिया। ये गुनाह हमारा ये तो गुने है, इधर बारिश नहीं हो रही, इधर कुछ हो ही नहीं रहा है, ये महंगाई इतनी है, तो गुनाह नहीं हमारा। हम कौन से नेक हैं, हम नमाज पढ़े हम गंदे काम भी करें। मैं दुनिया को दिखाऊँ कि मैं नमाज ही हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरे दिल खराब लेकिन अल्लाह कबूल करेगा, कभी नहीं करेगा जिंदगी। आप समझती हैं कि इंसानियत खत्म हो गई है? इंसानियत नहीं है, इज्जत नहीं है, छोटे बड़ों की कोई वैल्यू नहीं है। किसी को अच्छे के लिए बोलोगे ना तो वो बुराई समझता है। यही लड़कियां हैं हमारे पास, अच्छा समझा ना तो बुरा मानती हैं। अगर एक दिन पछताओगे आप लोग, ये कयामत है निशानी और क्या है। नज़रीन जहां हमने देखा हम इस बात को सराह रहे होते हैं कि मर्द जो है जो गुसल दे रहे होते हैं वो किस तरह से करते हैं, लेकिन आपके सामने ये अम्मा जी मौजूद हैं जो जिन्होंने अपने ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा अरसा इस काम में गुजार दिया एक औरत होकर। और आप समझ सकते हैं, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन इस वक्त मेरी वीडियो देख रही हैं वो ये बात समझ सकती हैं कि एक औरत के लिए ये काम करना किस हद तक मुश्किल है, क्योंकि हम औरतों का दिल जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और मुझ जैसी औरत तो मैं नहीं समझती कि एक मैयत को इस नासाज हालत में देख भी सकती है, लेकिन सलाम है इनको जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधा अरसा इस काम में गुजारा, इंसानी खिदमत में गुजारा।